इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एंड सूर्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित रोग मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम द्वारा स्थानीय लोगों को मार्गदर्शन मिला। नगलावर सेंटर में डॉक्टर कैलाश त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन रोग मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ से किया। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य फाउंडेशन व INO देश के सर्वांगीण विकास हेतु पिछले 25 वर्षों से राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के साथ घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा योग का ज्ञान और लाभ पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर कैलाश त्रिवेदी ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में फास्ट फूड के प्रति जनमानस विशेषकर युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड व शारीरिक श्रम नहीं करने से मोटापा, कब्ज, हृदय संबंधी बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक रोग और उच्च रक्तचाप जैसे अनेक भयंकर बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के युवा व आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु INO द्वारा कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता व अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने में उपयोगी सिद्ध होंगे। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे अभी हमने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कम जीवन पद्धति अधिक है और ये घर घर में होनी चाहिए। व्यक्ति अपना स्वयं चिकित्सक बनना चाहिए, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है और उसी से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई यहाँ पर, ताकि व्यक्ति इस संदर्भ में प्रशिक्षण ले सकें कि वो क्या, कैसे प्रकृति के सानिध्य में रहें, क्या खाएँ और कैसे जीवन यापन करें, ताकि किसी चिकित्सक की उन्हें जरूरत न पड़े, स्वयं अपने चिकित्सक बन सके। इस अवसर पर ब्रजक्षेत्र प्रमुख परसोत्तम, अशोक प्रधान, राम पाठक, नारायण सिंह, विष्णु शर्मा, गुड़िया गायत्री, अनिल राजकुमार, फील्ड केंद्र राम ठाकुर, रवि कुमार, दीपिका मुख्य रूप से उपस्थित रहे।